Hello friends, in this lecture we will revise some theorems from abstract algebra. So first of all we will see a theorem that is called as the inverse reverse law. If G is a group, then prove that A into B, its a whole inverse is equal to B inverse into A inverse. Matlab kisi bracket ke inverse hum jab lete hain to wo inverse reverse hokar, मतलब उसका order of multiplication reverse होकर individual inverse देता है. तो ये theorem prove करना है. तो इसका मतलब हमें पहले लिखना पड़ेगा to show that statement में दिया है a b inverse is equal to b inverse into a inverse, right? That is to show that this is a into b into this b inverse into a inverse is equal to identity element e. अगर आप ये स्टेटमेंट प्रूव कर देते हो तो आपको जो बोला गया है दैट इज इक्विवेलेंट. तो ये प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले लेना होगा LHS लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज A इंटू B, दैट इज B इनवर्स इंटू A इनवर्स. ठीक है, तो हम इसके आगे लिखेंगे A और ये ब्रैकेट को हम चेंज करेंगे. दो अलग अलग ब्रैकेट देने के बजाय बीच के दोनों एलिमेंट को एक ब्रैकेट दिया जाएगा. ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये एलिमेंट्स ग्रुप के हैं और ग्रुप में एसोसिएटिव लॉ होता है, तो इसको रीजन आएगा ड्यू टू एसोसिएटिव लॉ, ये हमने लिखा. ठीक है, अब हम जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, और ये हम इसकी वजह से लिख रहे हैं बिकॉज हमारे पास लॉ है दैट इज कॉल्ड एज इनवर्स लॉ. तो इनवर्स लॉ के हवाले से बी इंटू बी इनवर्स हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट ई. अगेन हमने क्या किया, a इंटू e को एक ब्रैकेट दिया, a इनवर्स एज इट इज लिखा. ऐसा हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि अगेन हमें यूज करना है, यूज किया है एसोसिएटिव लॉ. ठीक है, अब आइडेंटिटी को आप किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही एलिमेंट आएगा. तो a इंटू ई, ई इज द आइडेंटिटी, देयरफॉर इसका आंसर आएगा a और ये a इनवर्स. आइडेंटिटी इंटू a लिखा, इसका रीजन हमें देना होगा कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ. तो आइडेंटिटी लॉ की वजह से ये हो गया. अब अगेन ए का और ए के इनवर्स का मल्टीप्लीकेशन है और हम जानते हैं उसका आंसर आता है ई, इसको रीजन देना पड़ेगा इनवर्स लॉ. तो हमने LHS से शुरुआत की और हमें आइडेंटिटी मिल गया, आइडेंटिटी हमारा राइट हैंड साइड था, तो हमने प्रूव कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS. मतलब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी आ रहा है. ग्रुप थियरी में आप जानते हो कि किसी भी एलिमेंट का किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन होता है और आंसर आइडेंटिटी आता है तो वो एलिमेंट्स एक दूसरे के इनवर्सेस रहते हैं. तो यहाँ पर ये फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट का इनवर्स हो गया. तो इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंस में अगर लिखते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा इनवर्स ऑफ द फर्स्ट ब्रैकेट दैट इज ए बी इज व्हाट इज सेकंड ब्रैकेट दैट इज बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स. अब इस सेंटेंस को हम मैथमेटिकल नोटेशन में लिखेंगे तो इनवर्स ऑफ ए बी मतलब ए बी का इनवर्स, ये ऐसा नोटेशन आएगा. इज मतलब इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस रिजल्ट. ओके, सो वी विल सी द नेक्स्ट रिजल्ट दैट इज प्रूव दैट आई ऑफ जी मतलब इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑल इनर एटोमॉर्फिजम्स ऑन जी is isomorphic to quotient group G by Z, और Z का मतलब होता है center of group G. आपको पहले एक बात क्लियर करा दूं कि एटोमॉर्फिज्म जो होते हैं वो आइसोमॉर्फिज्म ही होते हैं, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म में डोमेन और कोडोमेन अलग अलग ग्रुप हो सकते हैं, लेकिन जिस आइसोमॉर्फिज्म में डोमेन और कोडोमेन इक्वल हो जाएगा वो एटोमॉर्फिज्म कहलाएगा. तो एक्चुअली एटोमॉर्फिज्म इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए ऑफ जी, और एटोमॉर्फिज्म के कुछ ऐसे एटोमॉर्फिज्म जो एक स्पेशल कंडीशन डिफाइन करते हैं जिनको हम इनर एटोमॉर्फिज्म बोलते हैं. तो इनर एटोमॉर्फिज्म इज ऑब्वियसली अ सबग्रुप ऑफ और सबसेट ऑफ ए ऑफ जी. अब देखिए ये थ्योरम का लेंथ थोड़ा बड़ा है तो इसलिए आपको मैं पहले प्लान बता देता हूं कि मुझे करना क्या है. तो I of G, पहले मुझे प्रूव करना होगा I of G is a subgroup. तो मैं पहले प्लान बता देता हूं. तो what is our plan? Plan is
सो मैं यहाँ पर प्लान लिखता हूँ, प्लान दैट इज फर्स्ट प्लान इज आई ऑफ जी इज व्हाट, सब ग्रुप, सब ग्रुप बताना पड़ेगा किसका, ए ऑफ जी का, मतलब ग्रुप ऑफ एटोमॉर्फिज्म का। सेकंड चीज उसी आई ऑफ जी को आपको नॉर्मल सब ग्रुप बताना पड़ेगा, नॉर्मल सब ग्रुप इन ए ऑफ जी। इसके बाद आपको एक मैपिंग डिफाइन करना होगा, वो मैपिंग डिफाइन रहेगी फाइव फ्रॉम आई ऑफ जी टू और जी टू आई ऑफ जी, ऐसा एक मैपिंग डिफाइन करना होगा और इस मैपिंग को आपको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना होगा। होमोमॉर्फिज्म प्रूव करने के बाद अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कोडोमेन मतलब आई ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी बाय कर्नल ऑफ के, और बाद में आपको इस के को, ये कर्नल जो है ना उसको इक्वल टू जेड प्रूव करना होगा। तो फिर आपका ये के की जगह जेड आप लिख सकते हो और आप सफल हो जाओगे आपको जो प्रूव करना है उस चीज में। तो ये सारी चीजों को प्रूव करने के लिए इनर एटोमॉर्फिज्म जो होते हैं वो मैपिंग्स होते हैं, है ना, और वो मैपिंग्स को आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो या उस मैपिंग का आप कैसे इनवर्स ले सकते हो, इसके दो छोटे छोटे रिजल्ट्स पहले हमें प्रूव करने होंगे और उन रिजल्ट्स का यूज करके ये प्लान एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद है ये प्लान को एग्जीक्यूट करना, और ये प्लान तभी एग्जीक्यूट होगा क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ेगी उन दो छोटे छोटे रिजल्ट्स की। तो पहला रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे करना क्या है। तो फर्स्ट रिजल्ट इज सपोज मैं एक एलिमेंट लेता हूँ इनर एटोमॉर्फिज्म का, दैट इज टी ए बिलोंग्स टू आई ऑफ जी, मतलब ये इनर एटोमॉर्फिज्म है। और याद रखिए ये जो एलिमेंट बेस में है ना सफिक्स में, दैट इज ए, वो जी का एलिमेंट होता है ग्रुप का। और ये एलिमेंट को लेने के बाद अगर मैंने इसका इनवर्स लिया, दैट इज टी ए का इनवर्स, तो वो इक्वल टू टी ऑफ ए इनवर्स के बराबर होता है। मतलब किसी भी इनर एटोमॉर्फिज्म का इनवर्स इज इक्वल टू टी ऑफ उस सफिक्स का इनवर्स, ये इक्विवेलेंट मुझे पहले प्रूव करना होगा। और ये प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना है, देखिए कि अगर ये चीज़ मुझे प्रूव करनी है तो मुझे पहले कंसिडर करना होगा टी ऑफ ए कंपोजिट विथ टी ऑफ वॉट ए इनवर्स, और ये दोनों मैपिंग्स है, मैपिंग जी टू जी है, इसलिए यहाँ एक एलिमेंट डोमेन से आएगा मतलब जी से आएगा, दैट इज एक्स। तो मुझे यहाँ लिखना होगा लेट एक्स बिलोंग्स टू वॉट जी, और वो एलिमेंट मैंने इस मैपिंग में डाल दिया। अब ये कंपोजिट मैपिंग है तो पहले हम टी ऑफ ए लिखेंगे और फिर ये x एलिमेंट ये फर्स्ट मैपिंग में चला जाएगा, दैट इज टी ए इनवर्स ऑफ वॉट x। ठीक है, अब आपको पता चलेगा कि इनर एटोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन होता है। अब ये इनर एटोमॉर्फिज्म है डिफाइन ओवर x, तो इसका जो बेस है ना a इनवर्स जो भी होगा उसका आप इनवर्स लिखेंगे, मतलब यहाँ पहले बेस लिखा जाएगा उसका इनवर्स लिखना है, फिर किस पे ऑपरेट किया ये फंक्शन x पे, तो x लिखा जाएगा और ओरिजिनल बेस ए इनवर्स एज इट इज यहाँ रहेगा। अब आप जानते हो इनवर्स का इनवर्स ओरिजिनल एलिमेंट रहता है, तो ये हो जाएगा टी ए ए इनवर्स का इनवर्स ए हो जाएगा, दैट इज एक्स, और ये हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, अब ये जो क्वांटिटी है ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री एलिमेंट, ये अगेन टी ए नाम के एटोमॉर्फिज्म में है। तो टी ए कैसे डिफाइन होगा, देखो बेस में है ए तो उसका इनवर्स लिखिए, फिर एलिमेंट लिखिए ए एक्स ए इनवर्स, और ये बेस में जो था उसको एज इट इज यहाँ लिखिए। तो ये हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव लॉ ए इनवर्स ए एक ब्रैकेट में एक्स, और ये ए इनवर्स ए एक ब्रैकेट में। अकॉर्डिंग टू इनवर्स लॉ ए इनवर्स इनटू ए आइडेंटिटी हो जाएगा, ये एक्स और ये आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी लॉ के हिसाब से ई एक्स ई का आंसर एक्स आएगा। अब किसी का आंसर x आ रहा है मतलब आइडेंटिटी मैपिंग की हमें याद आनी चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी मैपिंग ऐसा मैपिंग होता है जो वही आंसर देता है जो एलिमेंट डोमेन से उसके अंदर आया है। तो आइडेंटिटी मैपिंग को अगर हम i डिनोट करते हैं और अंदर अगर x है तो उसका आंसर x ही आएगा, इसलिए x को हम i ऑफ x लिख सकते हैं। तो हमने शुरुआत की थी यहाँ से, हम पहुँच गए यहाँ पर, तो देखिए इस x के ऊपर ये मैपिंग जो काम कर रही है वही काम ये i उस x पे कर रहा है, मतलब ये मैपिंग i और ये ब्रैकेट वाला कंपोजिट मैपिंग दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। दैट्स वाई टी ए हम ऐसा लिख सकते हैं, टी ए
कंपोजिट विथ टी ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब किसी दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी आ रहा है तो हम जानते हैं कि वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो इसको हम लिखेंगे वर्ड में इनवर्स ऑफ टी ए इज टी ए इनवर्स। अब इसको मैथमेटिकल नोटेशन में लिखेंगे इनवर्स किसका, टी ए का, तो टी ए का इनवर्स इज इक्वल टू टी ए इनवर्स, और ये रिजल्ट हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो ये इस रिजल्ट को समझना आपको ये है कि किसी भी इनर एटोमॉर्फिज्म का जब आप इनवर्स लेते हो तो वो जो सर पे इनवर्स है वो आप सफिक्स को दे सकते हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्मॉल रिजल्ट। अभी हमको और एक रिजल्ट प्रूव करना होगा, और वो रिजल्ट ये है कि हम दो एलिमेंट लेंगे इनर एटोमॉर्फिज्म से, ठीक है, तो लेट टी ए एंड टी बी बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ एटोमॉर्फिजम्स आई ऑफ जी, ठीक है, और इसमें ए और बी दोनों मेंबर किसके हैं, जी के। तो व्हाट वी वांट टू प्रूव दैट, टू शो दैट द कंपोजिशन ऑफ दिस टू इनर एटोमॉर्फिज्म टी ए इंटू टी बी इज इक्वल टू टी ऑफ बी ए। ध्यान रखिए कि पहले एटोमॉर्फिज्म का सफिक्स यहाँ दूसरे स्थान पे है और दूसरे एटोमॉर्फिज्म का सफिक्स पहले स्थान पे, मतलब दो इनर एटोमॉर्फिज्म का जब प्रोडक्ट होगा कंपोजिट वाइज तो एक एटोमॉर्फिज्म मिलेगा जिसका सफिक्स बी इंटू ए रहेगा, मतलब ये दोनों सफिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो अभी इसको प्रूव करने के लिए हमें ये टी ए टी बी लेना होगा, इसके ऊपर हमें एक्स को अप्लाई करना होगा, और फिर हम बढ़ेंगे कंपोजिट के रूल के हिसाब से टी ए यहाँ हो जाएगा टी बी एक्स, है ना, तो ये हो जाएगा टी ए टी बी एक्स का बाय डेफिनेशन ऑफ इनर एटोमॉर्फिज्म सफिक्स में बी है तो उसका पहले इनवर्स लिखेंगे, एक्स लिखेंगे और ओरिजिनल एलिमेंट बी। अब ये टोटल एलिमेंट इस इनर एटोमॉर्फिज्म में आ गया टी ऑफ ए में, तो इसका सफिक्स ए है तो उसका इनवर्स, फिर वो आपका ओरिजिनल एलिमेंट और ओरिजिनल बेस दैट इज ए। एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से इसको हम ऐसा लिखेंगे ए इनवर्स बी इनवर्स एक्स और इधर आएगा बी ए। इनवर्स रिवर्स लॉ के हिसाब से ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स को लिखा जाएगा बी इंटू ए का इनवर्स एक्स और इधर बी ए। सिंस जी इज अ ग्रुप एंड ए बी आर द मेंबर्स ऑफ जी, देयर फोर ए इंटू बी या बी इंटू ए इज ऑल्सो मेंबर ऑफ जी। तो ये बी इंटू ए को अगर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ सी पुटअप कर देते हैं, सी एंड दैट इज अ मेंबर ऑफ वॉट जी, तो ये दिखेगा सी इनवर्स एक्स सी, और सी क्योंकि जी का मेंबर है दैट इज द आंसर ऑफ सम इनर एटोमॉर्फिज्म दैट इज वॉट टी सी एक्स। ओके, तो आपने प्रूव कर दिया, शुरू किया था यहाँ से, आप यहाँ आ गए तो आपने प्रूव कर दिया टी ए इंटू टी बी इज इक्वल टू टी सी, बट वॉट इज सी, सी इज वॉट बी ए, सो इट इज टी ऑफ वॉट बी ए, तो ये रिजल्ट आपने प्रूव कर दिया। अब इन दो रिजल्ट का यूज करके हमें आगे बढ़ना है मेन थ्योरम को प्रूव करने के लिए। तो मेन थ्योरम का पहला टारगेट रहेगा क्लेम नंबर वन, दैट इज टू शो दैट आई ऑफ जी दैट इज अ सेट ऑफ ऑल इनर एटोमॉर्फिज्म इज सब ग्रुप ऑफ ए ऑफ जी, ठीक है। तो सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको पता है कि आपको दो एलिमेंट लेने होंगे, तो मैं ले लेता हूं दो एलिमेंट, कहां से लेंगे आप दो एलिमेंट, जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है। अब बताइए किसको सब ग्रुप प्रूव करना है, आई ऑफ जी को, तो मुझे दो इनर एटोमॉर्फिज्म लेने होंगे, तो लेट टी ए एंड टी बी बिलोंग्स टू आई ऑफ जी, जहां पर ए और बी किसके मेंबर रहेंगे, जी के, ठीक है। और अभी हमको प्रूव करना है कि एक एलिमेंट दैट इज टू शो दैट, सब ग्रुप प्रूव करने के लिए दो कंडीशंस होते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड इनवर्स लॉ, लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी और इनवर्स लॉ को कंबाइन करके मिक्स करके हम एक ही रिजल्ट प्रूव करेंगे, और वो ऐसा लिखा जाएगा कि फर्स्ट एलिमेंट आपने लिखना है इनटू सेकंड एलिमेंट का इनवर्स, ये आई ऑफ जी का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि आप लिखिए टी ए टी बी का इनवर्स, ये टी ए एज इट इज,
ये देखिए, पहले रिजल्ट में हमने प्रूव किया है कि कॉमन इनवर्स सफिक्स का इनवर्स बन जाता है, तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये फिर ऐसा लिखा जाएगा टी, और प्रोडक्ट का क्या होता है, टी सेकंड वाला सफिक्स पहले लिखा जाएगा और फर्स्ट वाला बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। सो सिंस जी इज अ ग्रुप, सिंस जी इज अ ग्रुप, देयर फोर वॉट दिस बी इनवर्स इन टू ए बिलोंग्स टू जी। किसी भी एटोमॉर्फिज्म को इनर एटोमॉर्फिज्म ऑन जी प्रूव करने के लिए उसका सफिक्स सिर्फ जी का मेंबर होना जरूरी होता है। तो यहाँ हमने जी का मेंबर बता दिया, तो ऑब्वियसली दिस टी बी इनवर्स ए क्या हो जाएगा, इनर एटोमॉर्फिज्म ऑन जी, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा आई ऑफ जी। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल टी ए, टी बी बिलोंग्स टू आई ऑफ जी, एंड देयरफॉर आई ऑफ जी इज सब ग्रुप ऑफ ए ऑफ जी। चलो एक टारगेट तो पूरा हो गया, सब ग्रुप ऑफ ए ऑफ जी। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, इस सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। तो नॉर्मल देखिए, किसी भी चीज को अगर समझो कैपिटल एन को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है जी का, तो आपको क्या करना होता है, एक एलिमेंट एन से लेना है, एक एलिमेंट जी से लेना है, जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन दिखाना है, इज इट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे आई ऑफ जी से, तो लेट, तो पहले हम लिखते हैं क्लेम, क्लेम इज व्हाट, टू शो दैट आई ऑफ जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ व्हाट, ए ऑफ जी, ठीक है। तो लेट वन एलिमेंट दैट इज इनर एटोमॉर्फिज्म फ्रॉम आई ऑफ जी, और एक एलिमेंट लेना होगा किसमें, नॉर्मल सब ग्रुप बताना है ए ऑफ जी में, तो एक इनर सॉरी एक एटोमॉर्फिज्म लेना होगा ए ऑफ जी। और हमें अभी प्रूव क्या करना है, टी दैट इज टी इंटू टी ए इंटू टी इनवर्स बिलोंग्स टू आई ऑफ जी। अगर हमने ये प्रूव करके बता दिया तो अपने आप ये ए आई ऑफ जी क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ऑफ जी, ठीक है। अभी ये टी इंटू टी ए इंटू टी इनवर्स को आई ऑफ जी का मेंबर हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हम आगे बढ़ते हैं, इट्स वेरी सिंपल। तो ये क्या करना होगा, दिस इज द कंपोजिशन ऑफ थ्री एटोमॉर्फिजम्स, हाँ एटोमॉर्फिजम्स क्या रहते हैं, मैपिंग्स, तो मैपिंग्स का डोमेन रहेगा जी, तो एक एलिमेंट आपको पहले जी से लेना होगा, तो लेट लेट एक्स बिलोंग्स टू व्हाट डोमेन दैट इज जी, और फिर हम लिखेंगे टी और ये टी ए और ये टी इनवर्स के ऊपर एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा टी इंटू टी ए और ये हो जाएगा टी इनवर्स एक्स, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब ये टी इनवर्स एक्स किसके अंदर चला गया, टी ए के, टी ए कौन है, इनर एटोमॉर्फिज्म, तो इनर एटोमॉर्फिज्म का एक डेफिनेशन होता है, बेस का इनवर्स पहले लिखना होता है, फिर वो एलिमेंट लिखना होता है ये जो है, और फिर बेस यहाँ लिखना होता है, ठीक है। अब ये टी कौन है, एटोमॉर्फिज्म है, एटोमॉर्फिज्म क्या होता है, बेसिकली होमोमॉर्फिज्म होता है, तो ये ऐसा दिखेगा टी ऑफ ए इनवर्स सेपरेट, टी ऑफ टी इनवर्स ऑफ एक्स सेपरेट और टी ऑफ ए सेपरेट। और आप जानते हो कि एटोमॉर्फिज्म में टी इनवर्स जो है वो बाहर ले सकते हो आप, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिखोगे टी ऑफ ए का इनवर्स और टी इंटू टी इनवर्स आइडेंटिटी हो जाएगा दैट इज आई ऑफ एक्स इंटू टी ऑफ ए। अब यहाँ पर आई ऑफ एक्स का आंसर एक्स ही आएगा क्योंकि आई आइडेंटिटी एलिमेंट है, और यहाँ हम थोड़ी देर के लिए टी ऑफ ए, क्योंकि टी एटोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी, तो इसका आंसर भी जो रहेगा उसका इमेज जी में ही रहेगा, दैट इमेज इज डिनोटेड बाय बी, तो ये आंसर हम लिखेंगे बी इनवर्स एक्स और ये बी इनवर्स, सॉरी सॉरी इट इज ओनली बी, एंड देयरफॉर इट इज टी बी ऑफ व्हाट एक्स। तो हमने शुरू यहाँ से किया था, ख़त्म यहाँ हो गया, मतलब हमने प्रूव किया टी टी ए टी इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट टी बी, वेयर बी बिलोंग्स टू जी, मतलब ये इनर एटोमॉर्फिज्म हो गया दैट इज व्हाट आई ऑफ जी, एंड हेंस आई ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ऑफ जी। तो हम यहाँ पर रिजल्ट में लिख सकते हैं देयरफॉर आई ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप
of A of G. ठीक है, अब नॉर्मल सब ग्रुप के बाद अकॉर्डिंग टू हमारा प्लान जो था, हमको एक मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा. दैट इज डिफाइन अ मैपिंग फाई फ्रॉम ग्रुप जी टू आई ऑफ जी. तो इसका डोमेन जी है, तो ये कैसे डिफाइन करना होगा, दैट इज बाय फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स इनवर्स. देखिए ये इनर आइटोमॉर्फिज्म है जो कोडोमेन में रहेगा. डोमेन का एक एलिमेंट फाई में जाएगा और उसका आंसर कोडोमेन का एलिमेंट आएगा. तो ये इस तरीके से हमने डिफाइन किया. बेसिकली इस मैपिंग को वेल डिफाइन दिखाना ज़रूरी होता है, लेकिन क्योंकि ये लेंथ ऑलरेडी बड़ा हो चुका है थ्योरम का, इसलिए मैं इस मैपिंग को वेल डिफाइन नहीं प्रूव कर रहा हूँ. मैं डायरेक्ट इसको प्रूव करूँगा कि ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है. तो मेरा अगला क्लेम रहेगा, क्लेम टू शो दैट दिस मैपिंग फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म. और आप अच्छे से जानते हो स्टूडेंट्स कि होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव किया जाता है. आपको दो एलिमेंट लेना होता है डोमेन से. तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू व्हाट, जी. और अभी आपको प्रूव क्या करना होगा, टू शो दैट और टू प्रूव दैट फाई ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई. ये आपको प्रूव करना पड़ेगा. तो चलिए हम प्रूव करते हैं, LHS लेते हैं. तो LHS है आपका फाई ऑफ एक्स इंटू वाई. आपका डेफिनेशन ऐसा है कि जो फाई के अंदर एलिमेंट रहेगा वो टी के बेस में एज अ सफिक्स चला जाएगा इनवर्स बन के, है ना. तो ये अंदर अगर एक्स वाई है तो हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा टी ऑफ इनवर्स किसका, उस एलिमेंट का, दैट इज एक्स वाई. और इनवर्स रिवर्स लॉ से क्या हो जाएगा, टी ऑफ वाई इनवर्स इंटू व्हाट, एक्स इनवर्स हम लिखेंगे. और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर है, मतलब हम इसको फिर फर्स्ट सेकंड जो छोटा रिजल्ट हमने इनिशियली प्रूव किया था तो वो हम ऐसा लिखेंगे एक्स इनवर्स इंटू टी ऑफ वाई इनवर्स. और ये जो है अकॉर्डिंग टू ये डेफिनेशन ये हो जाएगा फाई ऑफ एक्स एंड दिस इज व्हाट फाई ऑफ वाई. एंड हेंस हेंस वी हैव प्रूव्ड दिस, हेंस फाई इज व्हाट, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू आई ऑफ जी, होमोमॉर्फिज्म. ठीक है, अब होमोमॉर्फिज्म करने के बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म यूज कर सकते हैं. तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या रहता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म वो ऐसे रहता है कि अगर कोई मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, जैसे कि ये है, तो उस मैपिंग का कोडोमेन, दैट इज व्हाट आई ऑफ जी, हमारा कोडोमेन आई ऑफ जी है फाई का, इज आइसोमॉर्फिक टू डोमेन डिवाइडेड बाय कर्नल ऑफ दैट होमोमॉर्फिज्म के. तो ये हमें रिजल्ट डायरेक्टली मिल जाएगा फ्रॉम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म. लेकिन हमें जो थ्योरम पूछा गया है उसमें के नहीं है, उसमें जेड है. तो इसका मतलब ऑब्वियसली मुझे उस कर्नल को ही जेड प्रूव करना होगा. तो अभी फाइनल मेरा टारगेट है फाइनल थ्योरम प्रूव करने के लिए कि शो दैट दिस कर्नल ऑफ फाई के इज इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रुप जेड. सेंटर क्या रहता है, सेंटर ये ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जी के सच दैट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू जी. मतलब जी का वही एलिमेंट जो बचे हुए जी के सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट होगा वो सेंटर में आएगा. तो ये प्रूव करने के लिए हम डबल इम्प्लीकेशन का सहारा लेंगे. तो चलिए हम प्रूव करते हैं. एक्चुअली के इक्वल टू जेड प्रूव करना मतलब के इज अ सबसेट ऑफ जेड प्रूव करना है और जेड इज अ सबसेट ऑफ के. तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो अपने आप के इक्वल टू जेड हो जाएगा. लेकिन हम शुरू करते हैं, लेट वन एलिमेंट दैट इज स्मॉल वाई बिलोंग्स टू दिस के. ठीक है, कर्नल है. कर्नल का मतलब क्या होता है बताइए. कर्नल का मतलब होता है कि वो किसका कर्नल है, होमोमॉर्फिज्म फाई का. तो फाई के अंदर जब वो एलिमेंट जाएगा तो आपको आइडेंटिटी देगा. लेकिन आइडेंटिटी आंसर कोडोमेन में आएगा, कोडोमेन इसका आई ऑफ जी है. तो ये हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैपिंग जो कि इनर आइटोमॉर्फिज्म रहेगी. तो फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू व्हाट, आई. ठीक है, तो फाई ऑफ वाई का हम आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन टी ऑफ वाई इनवर्स इक्वल टू व्हाट, आई. ठीक है,
तो इसका इम्प्लीकेशन आएगा टी वाई इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू वॉट आई ऑफ एक्स, राइट। इसका इम्प्लीकेशन आएगा, क्या आएगा, कैसे डिफाइन करते हैं इनर एटोमोरफिज्म, सफिक्स के एलिमेंट का इनवर्स लिखना है, मतलब वाई इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, वाई फिर एक्स और ओरिजिनल एलिमेंट इक्वल टू आई ऑफ एक्स, आई आइडेंटिटी मैपिंग है तो वो एक्स आ जाएगा। फिर इसका इम्प्लीकेशन होगा वाई एक्स वाई इनवर्स पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे वाई को हम दोनों तरफ लाइक दिस, और इसको फिर एसोसिएटिव लॉ से ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा वाई एक्स इंटू ई इज इक्वल टू एक्स वाई, और ये फिर इम्प्लाइज हो जाएगा वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जो कि सेंटर की कंडीशन है, राइट। तो इसका मतलब हो गया आपका कि ये जो y है वो x के साथ कमिट हो रहा है, मतलब y जो है ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g लिखते हैं, तो ये यहाँ भी लिखना होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g, और इसका मतलब x के हर एलिमेंट के साथ y कमिट हो रहा है, मतलब y बिलोंग्स टू सेंटर, दैट इज व्हाट z। अब इसी को रिवर्स जाएंगे आप तो आपको फिर y बिलोंग्स टू k मिलेगा। अगर आपने शुरुआत y बिलोंग्स टू k की थी और प्रूव किया y बिलोंग्स टू z, मतलब एक्चुअली आपने प्रूव किया k इज अ सबसेट ऑफ z, अब आप इसको उल्टा ऐसे लिखिए, देखिए नीचे से ऊपर जाइए, मतलब ये डबल इम्प्लीकेशन हो जाएगा, और डबल इम्प्लीकेशन की वजह से आपका थ्योरम एक ही एक्सप्रेशन में दोनों साइड्स प्रूव हो जाएंगे। तो आपने प्रूव कर दिया कि k इज अ सबसेट ऑफ z, z इज अ सबसेट ऑफ k, देयरफॉर व्हाट k इक्वल टू z। अब आपने कर्नल को z प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब आपने प्रूव कर दिया, हैंस ऑलरेडी फंडामेंटल थ्योरम से आपने ये प्रूव किया था कि I ऑफ g इज आइसोमॉर्फिक टू g बाई k, अब k की जगह क्या लिखना है z, और ये एंड हो गया इस थ्योरम का। अब इस थ्योरम को आप थोड़ा प्लान करके पढ़िए, क्योंकि ये थोड़ा लेंथ में बड़ा है, तो आपको पहले दो छोटे छोटे रिजल्ट प्रूव करने हैं, उसके बाद देखिए मैं बता देता हूँ आपको कौन से रिजल्ट प्रूव करने हैं। आपको सबसे पहले ये रिजल्ट प्रूव करना है टी ए इनवर्स इज इक्वल टू टी ए इनवर्स, फिर उसके बाद टी ए इंटू टी बी इक्वल टू टी बी ए प्रूव करना है, उसके बाद आपको प्रूव करना है आई ऑफ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ ए जी, और सब ग्रुप के बाद उसको तुरंत प्रूव कीजिए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए जी। फिर आपको नॉर्मल सब ग्रुप ये यहाँ पे प्रूव हो गया, फिर आपको एक मैपिंग डिफाइन करना है फ्रॉम जी टू आई ऑफ जी, और उस मैपिंग को आपको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। होमोमॉर्फिज्म जैसे ही प्रूव हो जाएगा यू कैन यूज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जो कि डोमेन इज आइसोमॉर्फिक कोडोमेन इज आइसोमॉर्फिक टू डोमेन डिवाइडेड बाय कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, और फिर उस कर्नल को आपको सेंटर प्रूव करना है, तो आपका काम हो जाएगा। सो इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट थ्योरम के लिए जो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का है। ये है कि इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, देन प्रूव दैट ए कैपिटल एच ए इनवर्स जो सेट यहाँ पर डिफाइन किया गया है वो भी सब ग्रुप है जी का। आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी चीज़ को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए जिसको सब ग्रुप प्रूव करना होता है वो सबसेट होना चाहिए, ठीक है, किसका, जी का। तो अभी यहाँ तो समझिए ए एच ए इनवर्स के एलिमेंट कुछ इस तरीके से हैं, तो ए तो ऑलरेडी जी का मेंबर है, H जो है वो H का मेंबर है, लेकिन H G का सब ग्रुप है, तो ऑब्वियसली ये H जो H का मेंबर है वो G का भी मेंबर हो जाएगा। तो A G का मेंबर, H G का मेंबर, तो A H A इनवर्स ऑब्वियसली G का मेंबर हो जाएगा। इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स इन दिस सेट आर एलिमेंट्स ऑफ और मेंबर्स ऑफ G, एंड देयरफॉर यू कैन से दैट A H A इनवर्स इज सबसेट ऑफ जी। अब सबसेट ऑफ जी प्रूव करने के बाद हमें सब ग्रुप प्रूव करना है। सब ग्रुप कैसे प्रूव किया जाता है, जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है उसमें से आपको दो एलिमेंट लेने होंगे, तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए एच ए इनवर्स। अब ए एच ए इनवर्स की एलिमेंट्स कुछ दिखने में ऐसा है ए एच ए इनवर्स, तो आपको एक्स को लिखना होगा ए सम एलिमेंट ऑफ एच एच दैट इज एच वन ए इनवर्स, एंड वाई को लिखना होगा ए सम एलिमेंट फ्रॉम कैपिटल एच और ए इनवर्स। यहाँ लिखिए आप फॉर सम एच वन एंड एच टू बिलोंग्स टू व्हाट एच। अब आपको प्रूव करना है एक्स इंटू वाई, दैट इज टू प्रूव दैट एक्स इंटू वाई इनवर्स बिलोंग्स टू ए
एच ए इनवर्स। अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो अपने आप ए एच ए इनवर्स क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। चलिए तो हम कंसीडर करते हैं इस एलिमेंट को, कंसीडर एक्स इंटू वाई इनवर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज ए एच वन ए इनवर्स इंटू वाई का आंसर है ए एच टू ए इनवर्स, और हमें उसका इनवर्स लेना है। तो अकॉर्डिंग टू इनवर्स रिवर्स लॉ ये पहला ब्रैकेट एज इट इज आएगा, और इनवर्स रिवर्स लॉ के हिसाब से थर्ड एलिमेंट जो है ना ये, इसका इनवर्स पहले लिखना होगा। तो ए इनवर्स का इनवर्स ए, फिर एच टू का इनवर्स, और फिर फर्स्ट एलिमेंट का इनवर्स दैट इज ए इनवर्स। ठीक है, अब हम इसमें एसोसिएटिव लॉ इन दो एलिमेंट को, दो एलिमेंट पे यूज करेंगे। तो हमें मिलेगा ए एच वन, कंटिन्यू करेंगे ए एच वन ए इनवर्स, फिर ए एच टू इनवर्स, और यहाँ आपको मिलेगा ए इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ इसको हम ब्रैकेट देंगे तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा ए एच वन ई एच टू इनवर्स, और ये हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, फिर ये हो जाएगा ए एच वन एच टू इनवर्स, और ये हो जाएगा ए इनवर्स। ठीक है, अब एच तो ऑलरेडी सब ग्रुप है, तो आप यहाँ रीजन दीजिए सिंस कैपिटल एच इज सब ग्रुप, तो सब ग्रुप में उसकी कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी, देयरफॉर एच वन जो एच का एलिमेंट है और एच टू का इनवर्स जो भी एच का एलिमेंट है वो एच का मेंबर रहेगा। और इसको थोड़ी देर के लिए हम सपोज करेंगे एच थ्री, तो आपको ये मिलेगा ए एच थ्री ए इनवर्स, है ना। अब इसका कंपोजिशन देखिए, पहले ए है एच का एक एलिमेंट है और ए इनवर्स है, तो इसकी जगह होगी ए एच ए इनवर्स में। तो आपने इसका मतलब x इंटू वाई इनवर्स को प्रूव कर दिया ए एच ए इनवर्स, देयरफॉर x इंटू वाई इनवर्स बिलोंग्स टू ए एच ए इनवर्स फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू ए एच ए इनवर्स, एंड देयरफॉर ए एच ए इनवर्स सेट इज अ व्हाट सब ग्रुप ऑफ G। तो इस तरीके से इसको प्रूव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम के लिए। नेक्स्ट थ्योरम को हमने डिफाइन किया कुछ ऐसे, जो पॉलिनोमियल रिंग के ऊपर डिपेंड है। इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर टू नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स इन दिस सिंबल, ये सिंबल को देखिए, दिस इज अ सिंबल विच डिनोट रिंग ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो उसके दो एलिमेंट है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, एफ एक्स जी एक्स आर पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल है तो उसको डिग्री रहेगा, तो दो पॉलिनोमियल का हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट की डिग्री इज नथिंग बट एडिशन ऑफ डिग्री ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। अभी देखिए डिग्री किसको बोलते हैं, तो अभी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए समझने के लिए आप पॉलिनोमियल लेते हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक्स का हाईएस्ट पावर टू है लेकिन उसका कोएफिशिएंट ए टू है। अब ए टू का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और वो पावर टू दिखेगा ही नहीं, तो इसका डिग्री वन हो जाएगा। तो अगर आपको इसका डिग्री टू बोलना है तो आपको ये कंडीशन डालना होगा कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी रहेगा, अब यहाँ पर ए टू है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। तो इसका डिग्री टू तभी रहेगा जब ए टू नॉन जीरो रहेगा और आगे के एक्स क्यूब एक्स रेस टू फोर के कोएफिशिएंट सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें दो पॉलिनोमियल लेने होंगे। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिरी टर्म मैं ले लेता हूँ ए एम एक्स रेस टू एम, और यहाँ पर मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि ये ए एम नॉट इक्वल टू जीरो है। अब ये नॉट इक्वल टू जीरो है तो एक्स रेस टू एम यहाँ पर रहेगा और इसका हाईएस्ट डिग्री एम रहेगा, तो इसलिए डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा एम। याद रखिए ए एम नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और आगे के सारे सफिक्स, मतलब ए एम प्लस वन ए एम प्लस टू ए एम प्लस थ्री सारे जीरो होने चाहिए। अब दूसरी पॉलिनोमियल लेते हैं जिसका नाम है जी ऑफ एक्स, उसको हम डिफाइन करेंगे बी जीरो बी वन एक्स
b2x square, and the dot dot last term is bn x raised to n. और यहाँ पर भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ bn is not equal to 0. तो ये am और bn not equal to 0 डिक्लेयर होने की वजह से मैं ये यहाँ दावे के साथ बोल सकता हूँ कि डिग्री ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल f of x हो जाएगी m, और डिग्री ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल जो है वो हो जाएगी n, राइट right? और इसका मतलब मुझे अब क्या प्रूव करना होगा इस थ्योरम में, टू प्रूव दैट डिग्री ऑफ f of x इंटू g of x इज इक्वल टू m प्लस n. ठीक है, अब आप जानते हो कि जब किसी दो पॉलिनोमियल का आप प्रोडक्ट लेते हो, मल्टीप्लिकेशन लेते हो, तो उसका आंसर भी अगेन पॉलिनोमियल ही होता है. तो हम क्या करेंगे, लेट ये f of x into g of x दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट पॉलिनोमियल ही आएगा, वो हम लेते हैं c0 c1x प्लस c2x square, और आखिरी की टर्म ले लेते हैं ck x raise to k. ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये c0 क्या होगा, c0 होगा a0 b0, c1 क्या होगा a1 b0 प्लस a0 b1, C2 क्या आएगा, वो आएगा A2 B0 प्लस A1 B1 प्लस A0 B2. मतलब C का जितना सफिक्स रहेगा, अब यहाँ 2 है तो उसके उसका आंसर में 3 टर्म आएंगे लाइक दिस. तो मैं इन जनरल यहाँ पर CT डिफाइन कर देता हूँ. CT इज व्हाट, ATB0 प्लस ये ए का सफिक्स एक एक से कम होना शुरू हो जाएगा और बी का सफिक्स एक एक से बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा ए टी माइनस वन बी वन, फिर ए टी माइनस टू बी टू, और ये लास्ट में आएगा ए जीरो और ये बी टी. ठीक है, तो ये इन जनरल इस सी टी कोएफिशिएंट जो है ना, ये मल्टीप्लीकेशन की, उसका आंसर रहेगा. अभी हमको प्रूव क्या करना है कि अगर मुझे इस f ऑफ x इंटू g ऑफ x का डिग्री m प्लस n प्रूव करना है, तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि ये cm प्लस 1 इज इक्वल टू am इंटू bn, और उसके m प्लस 1 के आगे के जो कोएफिशिएंट है वो सारे क्या हो जाएंगे, 0. मतलब मुझे प्रूव करना है, क्लेम मेरा है अब, क्लेम टू शो दैट, दो चीज़ें प्रूव करना है. एक पहली चीज प्रूव करना है cm प्लस n इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी चीज प्रूव करना है ci इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल i ग्रेटर देन m प्लस n. मतलब m प्लस n सफिक्स के आगे के सारे कोएफिशिएंट 0 होने चाहिए, m प्लस 1 नॉन जीरो रहेगा, तो cm प्लस 1 का मतलब x रेस टू m प्लस 1 रहेगा, और इसलिए उसकी डिग्री m प्लस 1 हो जाएगी. सो यहां क्लियरली cm प्लस n इज इक्वल टू am इंटू bn, इतना ही आएगा. अब आप जानते हो, आपने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है am नॉट इक्वल टू 0, bn नॉट इक्वल टू 0, तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया. मतलब आपने पहला रिजल्ट प्रूव कर दिया. अभी आपको प्रूव करना है ci इक्वल टू 0 वेयर i ग्रेटर देन m प्लस n. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, ये i को जानबूझकर ऐसे लिखते हैं j प्लस i माइनस j, समझ रहे हो आप, ये j j कैंसिल हो जाएगा और i ही मिलेगा. इसको ऐसा लिखने की वजह ये है ताकि मुझे i के ऊपर ये कंडीशन डालना है, i ग्रेटर देन m प्लस 1, तो ये कंडीशन मैंने डाल दी m प्लस n. तो देखिए यहाँ भी 2 का एडिशन है, यहाँ भी 2 का एडिशन है, तो इसका इम्प्लीकेशन ये आता है कि ये फर्स्ट टर्म j ग्रेटर देन m होगा और सेकंड ब्रैकेट i माइनस j ग्रेटर देन n होगा. इन दोनों में से कुछ भी होगा तो j प्लस i माइनस j ग्रेटर देन m प्लस n रहेगा. ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, दैट इज ci को लिखते हैं. ci क्या रहता है बताइए, ci मतलब ai है ना, b0 प्लस ए का एक एक सफिक्स कम होना चालू हो जाएगा, बी का एक एक बढ़ना शुरू हो जाएगा, दैट इज ए माइनस टू, दैट इज बी टू, और आखिरी में आएगा ए जीरो बी आई. ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर आपने बोला है कि या तो जे एम से बड़ा रहेगा या आई माइनस जे ग्रेटर देन एन रहेगा, तो इसको मैं लिखता हूँ सी आई को, सी आई इज इक्वल टू सी, आई के जगह मुझे लिखना होगा जे प्लस आई माइनस जे, है ना। तो ये हमें मिलेगा, इट इज़ अ समेशन ऑफ ए जे इंटू बी आई माइनस जे। अब देखिए जब j ग्रेटर देन m रहेगा तो आपने ऑलरेडी ए एम नॉट इक्वल टू जीरो बोला है, ऑल ए आई ग्रेटर देन m, क्योंकि डिग्री m है फर्स्ट पॉलिनोमियल की, देख रहे हो आप, यहाँ देखिए यहाँ पर डिग्री m बोला है, मतलब ये नॉन जीरो रहेगा और इसके आगे के सारे कोएफिशिएंट मतलब a m प्लस वन a m प्लस टू सारे जीरो रहेंगे, और यहाँ आपने डिग्री n बोला है तो बी एन नॉन जीरो रहेगा और बी एन प्लस वन बी एन प्लस टू मतलब इसके आगे के सारे टर्म्स के कोएफिशिएंट्स क्या रहेंगे, जीरो रहेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दो केस है, या तो जे एम से बड़ा रहेगा या आई माइनस जे एन से बड़ा रहेगा। सो इफ मैं अगर जे ग्रेटर देन एम का केस कंसिडर करता हूँ तो ऑब्वियसली ए जे क्या हो जाएंगे, जीरो, और अगर मैं I माइनस जे ग्रेटर देन n का केस कंसिडर करता हूँ तो बी आई माइनस जे जो n से बड़े हैं ये वो हो जाएंगे जीरो। तो एनी केस, चाहे वो j ग्रेटर देन m का केस हो या I माइनस जे ग्रेटर देन n का केस हो, दोनों केस में इन दोनों में से कोई एक जीरो हो जाएगा, और इसलिए आप ये प्रूव करेंगे कि सी आई इक्वल टू जीरो फॉर ऑल I ग्रेटर देन वॉट m प्लस n। तो देखिए सी एम प्लस एन आपने नॉन जीरो बता दिया और m प्लस एन के आगे के सफिक्स के लिए सी आई को जीरो बता दिया, तो इसका मतलब आपको जो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स मिलने वाला है वो ऐसा दिखेगा, देयर फोर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी जीरो सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर, और आपको आखिरी मिलेगा सी एम प्लस एन एक्स रेस टू एम प्लस एन, और इसके आगे के सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे जीरो। ये आपने प्रूव कर दिया और ये है नॉन जीरो, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्स का पावर जो है वो उसकी डिग्री रहेगी, तो देयर फोर डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम प्लस एन, एंड व्हाट इज एम, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज एन, दैट इज डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये हो जाएगा आपका थ्योरम यहाँ पर प्रूव, ठीक है। तो उसके आगे हम नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे जो कि है प्रूव दैट एनी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू इन जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये बड़ा ही सिंपल थ्योरम है, लेकिन आपको पहले समझना होगा कि सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स टू का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कैपिटल एच अगर सब ग्रुप है जी का ऑफ इंडेक्स टू, मतलब वो सब ग्रुप के आपको दो ही लेफ्ट या राइट डिस्टिंक्ट कोसेट मिलेंगे, दो से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट इज नथिंग बट इंडेक्स ऑफ दैट सब ग्रुप इन जी। तो यहां पे हम लिखेंगे गिवन दैट, व्हाट इज गिवन टू यू, गिवन दैट एच इज सब ग्रुप, ओके, सब ग्रुप ऑफ व्हाट, इंडेक्स टू, इंडेक्स टू इन जी मीन्स वॉट, दैट इज देर आर ओनली टू लेफ्ट और राइट, दोनों में से एक लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है कि दो ही लेफ्ट या राइट कोसेट एच के आपको मिलेंगे इंडेक्स की वजह से, और अभी आपको उस एच को नॉर्मल सब ग्रुप क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए मैं एच जो होता है वो इट्सेल्फ कोसेट रहता ही है, एच ई मतलब है ना, एच कैन बी रिटन एज एच ई इक्वल टू ई एच, तो ये एच जो है देयरफॉर एच इज राइट एंड लेफ्ट कोसेट अलवेज ऑफ एच, ये तो होता ही है। अभी हमको क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है, लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। अब ये जी से लिया,
H G का सब ग्रुप है, तो ये X H का मेंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, है ना। तो अगर इफ ये X अगर H का मेंबर है तो क्या हो जाएगा, H X इक्वल टू H हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी सेट के एलिमेंट को उसी सेट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही सेट आता है, राइट। चाहे आप लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो चाहे आप राइट से करो, तो X बिलोंग्स टू H, तो ये दोनों होना है और देयरफॉर एच एक्स इज इक्वल टू एक्स एच होना है, तो लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट हो जाएगा, देयरफॉर एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये कब प्रूव होगा, जब एक्स बिलोंग्स टू एच रहेगा, एक्स सब ग्रुप ऑफ जी। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने जो एक्स जी का लिया है वो एच में नहीं भी हो सकता है, तो उस केस में भी आपको H को नॉर्मल सबग्रुप प्रूव करना है। तो दूसरी केस में हम सपोज करेंगे इफ व्हाट हैपन व्हेन X इज नॉट अ मेंबर ऑफ व्हाट H, तो अभी यहां पर क्या करना होगा इसको प्रूव करने के लिए, देखिए H का इंडेक्स तो 2 है, देयरफॉर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट और लेफ्ट कोसेट कितने रहेंगे, H रहेंगे, और डिस्टिंक्ट राइट कोसेट होने की वजह से उनका यूनियन जो है ना वो G ही आएगा, तो देयरफॉर कोसेट्स कोसेट्स एच एच एक्स और ये एक्स एच, ठीक है, आर सच दैट, ये डिस्टिंक्ट है ना, आर सच दैट जी इज इक्वल टू, अब देखिए ये लेफ्ट और राइट दोनों रहता है, ये राइट है तो इसको राइट कंसिडर करेंगे, इसको राइट कंसिडर करेंगे, दोनों डिस्टिंक्ट है तो यूनियन जी आएगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप इस एच को लेफ्ट कोसेट कंसिडर करेंगे, यूनियन ये आपका लेफ्ट कोसेट है, तो ये दोनों में से एक होगा, ठीक है, तो राइट। बट देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन, बट देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन एच एंड एच एक्स। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखिए कोसेट की खास बात यह होती है कि दो कोसेट में अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आ गया तो वो दोनों कोसेट इक्वल हो जाते हैं। आपने इन दोनों को डिस्टिंक्ट बोला है, डिस्टिंक्ट मतलब इसके सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग है, राइट, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन एच एंड एच एक्स, एंड देयर इज ऑल्सो देयर इज नो एलिमेंट कॉमन इन एच एंड एक्स एच, ठीक है। ये होने के बाद तो अभी यहां आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट एच एक्स एंड एक्स एच। तो आप के पास दो रास्ते हैं कि HX और XH में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, ऐसा आप बोल सकते हो। लेकिन आप अगर ऐसा बोलोगे कि HX और XH में भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि ये एक कोसेट मिलेगा, ये एक कोसेट मिलेगा और ये एक कोसेट मिलेगा, तो आपको तीन कोसेट मिलेंगे डिस्टिंक्ट, और तीन मिलेंगे तो इंडेक्स दो हो जाएगा, सॉरी इंडेक्स तीन हो जाएगा, लेकिन आपको तो इंडेक्स दो ही दिया है तो आपको तीसरा कोसेट यहाँ मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर आप एच एक्स और एक्स एच में नो एलिमेंट कॉमन ऐसा बोल नहीं सकते, तो इसका मतलब ये हो गया कि देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एक्स एच एक्स एंड एक्स एच, दो लेफ्ट और राइट आर डिस्टिंग, तो देर फॉर आपको पॉसिबिलिटी ये लिखना होगा कि एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, और फिर ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी तो अपने आप लेफ्ट कोसेट इज इक्वल टू राइट कोसेट हो जाएगा, देर फॉर एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, तो रीजन देना इसमें मत भूलिए कि यहां पे मैंने रीजन लिखा नहीं है, लेकिन आप लिखिए, देखिए पहला स्टेटमेंट ये लिखिए, दूसरा ये लिखिए, और बाद में बोलिए कि एच एक्स इज नॉट, इफ एच एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स एच देन नंबर ऑफ इंडेक्स ऑफ एच विल बी ग्रेटर देन टू, ये ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, एंड बट इंडेक्स ऑफ एच इन जी इज ओनली टू, देयरफॉर द ओनली पॉसिबिलिटी इज ये दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए, मतलब ये दोनों इक्वल होना चाहिए,
और ये फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये सारे थ्योरम्स आपको करने होंगे। थैंक यू।